अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। Cha-cha-cha, let's do cha-cha-cha, me and you cha-cha-cha, doo-doo. Cha-cha-cha, ek do cha-cha-cha, aise bahut acha, ek do cha-cha-cha, doo-doo. Cha-cha-cha, 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 ek kadam aage cha-cha-cha, ek kadam peeche cha-cha-cha, ek kadam aage cha-cha-cha, ek kadam peeche cha-cha-cha. That's the way, I like it, cha-cha-cha, me and you cha-cha-cha, doo-doo. Cha-cha-cha, ha-ha, cha-cha-cha, yahoo, cha-cha-cha, oh great, doo-doo. Cha-cha-cha. Oh God, Mr. Naidu, this is not the Bharatanatyam, this is the cha-cha-cha. Oh, yeah, that's the way.
कोशिश मत करो, इससे पहले कि मामला पुलिस तक पहुंच जाए किसी अच्छे वकील को बुलाकर बात कर लो। अब इस मामले में हमारी कंपनी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती कुमार, क्योंकि आज सुबह से तुम सस्पेंड कर दिए गए हो। गोली किसे लगी है? बहादुर सिंह को, लोग उसे राजा के नाम से जानते हैं। कोई तस्वीर है? हाँ है, ये रही वो तस्वीर, उनकी जेब से मिली है। मुझे सस्पेंड किस लिए किया गया है? देखो कुमार, इस कंपनी ने जनता के दिल बहलाने के लिए इस देश में 8 क्लब खोल रखे हैं, और दूसरे क्लबों से जितनी आमदनी आती है उससे आधी भी तुम्हारे क्लब से नहीं आती। क्या चक्कर है? चक्कर रोटी का है, लोगों के पास रोटी के लिए पैसे नहीं है, वो जुआ खेलने के लिए कहां से लाएंगे? और दूसरे क्लबों में जो लोगों की भीड़ लगी रहती है, उनके घरों में नोट छापने की मशीन लगी है। नहीं समझोगे दुलाराम, पुलिस बहुत सख्त हो चुकी है, लोग क्लब में जाते हुए डरते हैं, फिर हमारे देश में जुआ जुर्म समझा जाता है। अच्छा, और तुम्हारे इसी देश में हिसाब का घपला करना जुर्म नहीं माना जाता है? घपला? तुम क्या समझते हो, बही खाते में मैंने घपला किया है? तुम्हारे अकाउंटेंट ने मेरा हिसाब चेक करके मुझे सर्टिफिकेट दिया है। अरे भाई, मुट्ठी गर्म करके तो कौन सा अभी सर्टिफिकेट मिल सकता है? अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट क्या चीज है? लेकिन यह सब क्यों किया तुमने कुमार?
देखो कुमार, पिछले साल जब फर्ग्यूसन तुम्हारा पत्ता साफ करना चाहता था तो मैंने उसे रोका। मैंने कहा इसे और एक मौका दे दो या क्लब इसके हवाले कर दो। क्लब भी चलाएगा और हमारा कर्जा भी चुका देगा। तो मैं समझ लूं कि इस कंपनी से मेरा पत्ता साफ कर दिया गया। हाँ कुमार, आज से तुम बिल्कुल अकेले हो। माय गॉड, इसका मतलब है गोली बहादुर सिंह पर नहीं मुझ पर चलाई गई थी। कुत्ते कमीने हरामजादे, मैं सोच भी नहीं सकता तुम अपने साथी पर गोली चलवाओगे। मैंने बहुत कोशिश की कुमार, लेकिन ठीक है, अपने आदमी से कह दो अगर वार करना है तो सामने आकर करे, छुप कर नहीं। फर्ग्यूसन से कह देना उसके रुपयों का इंतजाम मैं कर दूंगा। लेकिन कैसे? पैसे लाओगे? वो लोग तुम्हें मार जॉन लॉक्सले की दिली ख्वाहिश है कि सेंट डिसमस टापू पर राजा बहादुर सिंह तशरीफ ले आए। राजा बहादुर सिंह, राजा बहादुर सिंह जूनियर तशरीफ ले आए। राजा बहादुर सिंह का बेटा जी? जी हाँ, मैं उनका लड़का। मैं रोमियो, KPW आएंगर। हम तुम्हारा फादर के बारे में पेपर में पढ़ा, दिल को झटका लगा। अभी कैसा है? बस जान बच गई उनकी। हाँ, वेरी लकी मैन। तुम्हारा फादर को कुछ हो जाता तो हमको बहुत दुख होता जी। आप हमारे फादर को जानते हैं? हम उसको कभी मिला नहीं, पर उसका और हमारा धंधा एक। अपन के धंधे में आदमी को धंधे से नहीं पहचानता, लेकिन उसका काम करने के स्टाइल से पहचानता है। तुम सरजान को पहले कभी मिला जी? तो फिर दुनिया में तुमने कुछ देखा है इसने? इतना कमाल का आदमी है, हाथ मिला तो हाथ का लकीर गायब, नजर मिला तो तकदीर गायब। तुम्हारा फादर तुमको बोला है ना? हाँ, मेरे फादर भी उनकी अक्सर तारीफ किया करते हैं। Lancadore! Oh, I'm sorry, very sorry. Take it. Please, Belia. Oh, thank you. Lakimina. Hey, yep. अयो एकदम जन्नत की तरह लगता है जी। सेंट डिसमस जजीरा है कहाँ पर? ये कहीं इंडियन ओशियन में है जी। ये आइलैंड इतना छोटा कि दुनिया का नक्शा में दूरबीन लेके भी देखेगा तो भी नहीं दिखेगा। इसमें टेलीफोन नहीं, रेडियो नहीं, टेलीग्राफ नहीं और टेलीविजन तो बिल्कुल ही नहीं। मुझे तो यहाँ कोई घर भी नजर नहीं आ रहा। तो देख बोला जी, इधर एक ही घर है और वो है सर जान का। वो तो देखो जी। Hey, Salah, Romeo. Oh.
ये काउंटेस रासमोसन है जी। हे, इडली डोसा, हियर आई कम। तुम्हारा हैंडसम दोस्त के साथ हमारा इंट्रोडक्शन कराओ। बंदे को बहादुर सिंह जूनियर कहते हैं। अगर तुम अपना फादर का असली सन होएगा तो इससे भी आगे जाएगा माय डियर सिंह। बहुत आगे जाऊंगा। हेलो, गुड इवनिंग। मेरा नाम बहादुर सिंह जूनियर है। सर जॉन ने क्या क्या चीजें जमा कर रखी हैं? देखिए ये कितना पुराना है। कौन है आप? इशारों की जबान कहां सीखी? कोलंबस साहब, इश्क में क्या कुछ नहीं करना पड़ता। एक दफा पटियाला में गूंगी लड़की से इश्क हो गया था, दिल की बात समझाने के लिए इशारों की जबान मजबूरन सीखनी पड़ी। हाथ नहीं बॉडी मिलाओ। माफ कीजिएगा काउंटेस, एक्सीडेंट में इनकी दाएं टांग बेकार हो गई। ओ पुअर बेबी। शुक्र है सिर्फ टांग ही गई, लेकिन काम के बाकी सभी हिस्से बिल्कुल सलामत हैं। ब्रावो, ब्रावो। Good evening. I am Sheila Enders, Sir John's friend and hostess. मैं सर जॉन की तरफ से आप सबसे माफी चाहती हूँ। वो अपनी बीमारी के कारण आज दावत में शामिल नहीं हो सकेंगे, जिसका उन्हें बेहद अफसोस है। लेकिन आप सबको पूरा यकीन दिलाया जाता है कि किसी भी वक्त उनकी कमी महसूस न होने दी जाएगी। मिस्टर सिंह, बंबई में रहते हैं आप? जी रहता तो नहीं, हाँ पिछले साल फिल्म लाइन के चक्कर में गया था, बात बनी नहीं तो वापस लुधियाना चला गया। क्यों? आपकी शक्ल मेरे एक दोस्त से बिल्कुल मिलती जुलती है, कुमार है उसका नाम। जी? फिलहाल क्या करते हैं आप? फिलहाल हम पीएचडी कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी में। मिस्टर सिंह, एस्ट्रोनॉमी? आई डिड नॉट नो योर स्टार गेजर। हमको भी बताओ थोड़ा स्टार्स के बारे में। आप सितारों के बारे में क्या जानना चाहते हैं? आप तो खुद एक सितारा है। एक आंख में राहु, दूसरे में केतु, माथे पे मंगल, चेहरे पे शनि, पूरा शरीर तारों का झुरमट है जी आपका। मेरे ख्याल में अगर हम अपने मेहरबान मेजबान सर जॉन के नाम एक जाम सेहत पिए तो कैसा रहेगा? यो माँ, तुमने तो हमारा मुंह का बात छीन लिया जी। सर जॉन के नाम, जब तक आप जिंदा रहें खुदा आपकी जेब पर मेहरबान रहे। शुक्रिया। I'm sorry, Miss Anders. ये जामे सेहत तो हमारे हाथ से लुढ़क गया। इससे पहले कि शराब हमारे जिस्म से होती हुई रगों तक पहुंच जाए, मैं शेरवानी बदल लेता हूं। माफ कीजिएगा। Who is there? Singh Junior. Come in. Sir John, please forgive the intrusion. I must talk to you. Mr. Singh Junior. तुमने क्या खाया, सीना या टांग? सीना खाने जा रहा था, मजबूरी ने टांग अड़ा दी, मुझे उठ जाना पड़ा। मेरे फादर कहते थे खाने से उठा हुआ और मैदान जंग से भागा हुआ दोनों बदकिस्मत होते हैं। बिल्कुल ठीक फरमाते हैं आप, लेकिन इस वक्त तकदीर मेरे पिताजी की जिंदगी का मजाक उड़ा रही है।
आपको उनका टेलीग्राम मिला? उन लोगों ने धमकी दी है अगर 48 घंटे के अंदर 10 लाख नहीं मिले वो मेरे पिताजी को जान से मार डालेंगे। हाँ, शरीफों के लिए तो दुनिया जहन्नम है। मेरे पिताजी की जिंदगी आपके हाथ में है। हाँ, लेकिन 10 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। सर जॉन, एक दोस्त की जिंदगी के मुकाबले में 10 लाख कुछ भी नहीं। लोगों को धोखा देने आयो? अभी तो नकली दाढ़ी मूछ लगाई है, इसी तरह दामन छुड़ाती रही तो असली दाढ़ी बढ़ाकर संन्यास ले लूंगा। अच्छा है, इसी बहाने दुनिया से एक 420 तो कम होगा। सुनो, बहुत बड़ा प्लान बना कर आया हूं। अगर तुम मेरा साथ दो तो सारी जिंदगी आराम से कट सकती है। कभी नहीं, तुम्हारे कहने पर चलकर मैंने बहुत सुख उठा लिए। अब मेरा पीछा करते हुए तुम यहाँ भी चले? यहाँ तो मैं इत्तेफाक से आ गया हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था। पता चल गया ना, अब दफा हो जाइए। साली, तू कभी नहीं बदलेगी। चाय का कप मेरे हाथ से फिसल गया। कोई बात नहीं मिस एंड्रेस, ये तो चाय का कप था। आपके खूबसूरत हाथों से तेजाब भी गिर जाता, सरदार जी की खुशकिस्मती थी। दोस्तों, मैं अपना फर्ज समझता हूं कि आप लोगों का एक दूसरे से तारुफ करा दूं। काउंटेस रासमुसन कौन है जो इन्हें नहीं जानता? थैंक यू सर जॉन। ये हैं दुनिया की मशहूर स्टार ट्रेपीज आर्टिस्ट, और साथ ही आपको याद होगा वैन गॉग की तस्वीरों की चोरी। वैन गॉग की छह मशहूर तस्वीरें, सात है ना काउंटेस, और सात तीन मूर्तियां। अयो काउंटेस, तुम अगर औरत नहीं होता ना जी, हम तुम्हारा पांव को हाथ लगाता। तीन बरस पहला हम भी एक ऐसा ट्राई मारा होता। ट्राई तो हुआ नहीं, लेकिन हमको उल्टा मार पड़ गया। मिस्टर रोमियो KPW आयंगर ऑफ लंका, बहुत मॉडर्न आदमी है। मैं तुम्हें रोमियो कह सकता हूँ? सकता है जी, अगर रोमियो बोलने में तकलीफ पड़ता है तो रोम निकाल दियो, मियो तो भी काम चलेगा जी। इनके कारनामों की लिस्ट लंबी है। सबसे पहला वाकया द बैंक ऑफ सिंगापुर। सुभान अल्लाह, वो कमाल आपका था। कमाल तो आप दिखाता है जी, हम तो आपका चेला है। कोई किसी का चेला नहीं बरखुदार, सब खुदा के बंदे। मैंने कर्नल कोलंबस से शर्त लगाई कि कैथरीन के खजाने से वो मशहूर हीरे चुराना इनके बस की बात नहीं,
چند مہینوں بعد خزانہ غائب ہو گیا اور ان میں سے ایک ہیرا میرے پاس پہنچا جو 1000 پاؤنڈ کی شرط سے بہت زیادہ قیمتی تھا اور اس ہیرے کو میں نے ایک نہایت ہی خوبصورت گہنے میں سجا دیا لیکن گہنا ہیرے سے زیادہ خوبصورت ہے ڈاکٹر دوباری دنیا کے تمام مذہب اور تمام دھرموں کے پجاری مظلوم کی آہ پر لبیک کہنا میرا فرض ہے سر جان صحیح ہے تمہیں بلایا گیا تھا ریسنٹلی ایک مذہبی کانفرنس کے لیے جیروشلم میں وہاں پر کسی خاص مذہب کے نمائندے بن کر گئے تھے آپ نہیں سر جان انسانیت کا نمائندہ میں دنیا کے ایک نہیں ہر دھرم ہر مذہب کو مانتا ہوں خیر یہ بھی پہنچ گئے جیروشلم مذہبی کتاب بغل میں دبائے اور واپسی میں سینٹ تیموتی کا کراس چرا کے چلے آئے الحمدللہ ایک معمولی سا کام ہے آپ کی دعا سے خدا آپ راجہ بہادر سنگھ کے عزیز ہیں جی جی ہاں میں بہادر سنگھ کا بیٹا ہوں جی میں کمار ہوں ایس ایس کمار میں اپنے آپ کو بمبئی کا سب سے بڑا چور سمجھتا تھا لیکن آپ لوگوں کو دیکھ کر تو میری ہوا سرک گئی میں تو ایک معمولی اٹھائی گرا ہوں وہ تو ٹھیک ہے لیکن آپ ذرا یہ بتانے کی کوشش کریں گے مسٹر کمار کہ ہولیا بدل کر اس قسم کا میرے علاقے میں آنے کی جرات کیسے کی آپ نے جی میں نے کہا نا میں ایک معمولی اٹھائی گرا ہوں اس لیے آیا تھا بھائیو تم یہاں بٹن چرانے آئے تھے جی بدقسمتی تھی میری جو میں ان چار دنیا کے مانے ہوئے چوروں کے گھر میں چوری کرنے چلا آیا جو اڑتی چڑیا کے پر کاٹ لیں اور چلتی لڑکی کی آنکھ سے کاجل چرا لیں فائر مائی ڈیئر بوائے اینڈ ون جینیئس یہ تو چور لوگوں کا بادشاہ ہے سر جان یہ تمہارا نوکر لو مارگلس کدھر سے ملا وہیں سے جہاں سے باقی سب چیزیں ملی یہ سب بھی چوری کا مال ہے کیا ایک قبیلے کے سردار نے کئی قیدیوں کو سزائے موت دی تھی ان قیدیوں میں سے 45 کو بچا لایا اور تب سے انہوں نے قسم کھائی کہ ساری زندگی یہ میرے وفادار ہی رہیں گے یعنی کہ وفادار غلام کوائٹ سو جی ہاں غلامی کی جب تک جھلک نہ ہو وفاداری میں مزہ نہیں سر جان ڈاکٹر دوباری سر جان کو پریشان مت کیجیے دوشیزہ تمہاری آنکھیں دولت کی چمک سے چوندیا گئی ہیں تمہیں He is dying. یہ مر رہے ہیں بیماری کیا ہے میرا خیال ہے یہ سب بتانے سے کوئی فائدہ نہیں That's all right, Miss Anders. جب موت کا وقت قریب آ ہی گیا ہے تو خواہ مخواہ ہو کر کیا فائدہ برسوں سے سر جان پیپٹی کلسر کے مریض تھے انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی پچھلے مہینے سے جب لگاتار درد ہونے لگا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ شاید گیسٹرک کلسر لیکن درد بڑھتا ہی گیا تو میں نے بمبئی اور لندن سے اسپیشلسٹ بلائے سر جان اپنے علاقے سے باہر جانا پسند نہیں کرتے اس لیے ٹریٹمنٹ کا سارا سامان یہیں منگوایا گیا لگاتار کئی دنوں کی کوشش کے بعد جو ہمیں پتہ لگا وہ گیسٹرک کلسر نہیں بلکہ آپریشن سے بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ ایسا جوا ہے جسے رومیو بھی نہیں کھیلنا پسند کرے گا پلیز سر جان یہ ٹائم مسئلے کرنے کا نہیں دیے ناؤ یو نو کس لیے آپ لوگوں کو میں نے یہاں بلوایا ہے میس اینڈرس کا میں نے انتظام کر دیا اور اپنے نوکروں کا بھی ہاں مگر ایک چیز بہت ہی پریشان اور بیتاب کر رہی ہے مجھے I have it میرے پاس ہے
I knew it was you, Sir John. ولا انا باخدش تشتي تمام نہیں ہاں ہم کو معلوم یہ کام سر جان کے سوا کوئی کر ہی نہیں سکتا جی سر جان اعتراض نہ ہو تو ایک سوال پوچھ سکتا ہوں The Shalimar Ruby Mr. Kumar The Shalimar Ruby Mr. Kumar دنیا کا سب سے بیش قیمت پتھر 1,214 carats The market price 135 crore Indian rupees زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ And I think Dr. Dubari you will agree کہ اتنا بیش قیمت ہیرا کسی ایسے ویسے کے حوالے کر دیا جائے یہ جرم ہے یہ گناہ ہے بے شک گناہ عظیم گناہ کبیرہ اور بلا شک آپ چاروں سے بڑھ کر کوئی اور اس کا حقدار نہیں ہو سکتا چند دنوں بعد جب ہم نہ ہوں گے تو چوروں کے بادشاہ کا خطاب آپ ہی چاروں میں سے کسی کو ملے گا اس خطاب کے لیے آپ نے کس کو چنا ہے وہی جو شالیمار کو چرانے میں کامیاب ہوگا اور کون اسی ڈاکٹر دوباری شالیمار کے پاتے ہی میں نے اپنی طرف سے ایسے انظام کروا لیے کہ کوئی اسے چرا نہ سکے اس طرف نہیں کانٹیس میں بتاتا ہوں کیوں او مائی گاڈ سر جان ایک سٹیپ ادھر رکھتا تو سیدھا اوپر ہوتا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے اس کے نیچے تھوڑا بارود بچھا رکھا ہوگا کیوں سر جان غلط فہمی ہے برخدا اس سے بھی خطرناک چیز ہے آئیے چلتے ہیں باغ خاص کی طرف سنبھل کے کرنل کولمبس ان جھاڑیوں سے دور رہیے کیوں کیا ہے ان میں یہ مجھے نہیں معلوم لیکن ان کے پاس چلنا بھی خطرناک ہے بہت خطرناک ہے ذرا چھو کے دیکھو دھماکے کے لیے آپ کے جسم کی گرمی کافی ہوگی کولمبس ذرا ان جھاڑیوں کے اوپر سے اپنا ہاتھ ایسے کر کے پھراؤ پھراؤ نا کچھ نہیں ہوگا لزبن میوزیم کی طرح ایگزیکٹلی لیفٹ ٹو دس کالم بارود بچھی ہے نو پریشر الارم right
अफसोस है यहां से आगे मैं आप लोगों को नहीं ले जा सकता। क्या जवानी है। उफ। एक हजार 214 कैरेट दिल को चटका लगा जी। इसको लेने को वास्ते हम तो दर्द में मरने को तैयार जी। वल्ला आज मालूम हुआ लोग हीरे की परस्तिश क्यों करते हैं। कोलंबस का कहना है कि क्या मेल है फरिश्ते और शैतान का, ये तो किसी बादशाह के ताज में होना चाहिए था। कई ताजों की जीनत बना है। सबसे पहले करीब 2000 साल पहले जब सिकंदर आजम ने हिंदुस्तान पर हमला किया था तो ये उसके कब्जे में चला गया। मेरे को मालूम शालीमार, वैदिक टाइम बोले तो 3000 साल पहले का है जी। लेकिन रफीक, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से ये हीरा और उसकी बेटी दोनों बजरिए जंग हासिल की। उस जमाने का तमाम हाल एक पत्थर पर नक्श किया हुआ हमने अपनी आंखों से देखा। और करीब 1000 साल तक मिस्टर कुमार वो जानता ही नहीं था कि ये कहां खो गया है। और एक दिन मुगलों के दौर में शालीमार बाग में पाया गया और फिर मुगलों से पोर्चुगीज ने छीना 1765 में और पोर्चुगीज से अंग्रेजों ने छीना 1796 में। और अंग्रेजों से छीना कर्नल कोलंबस के परदादा ने शेर जमा टीपू सुल्तान के हुक्म पर। 100 साल तक शालीमार गायब, कुछ पता ही नहीं किधर गया। फिर एक दिन मालूम पड़ा कि अमेरिका के एक अरबपति जॉर्ज हंट के म्यूजियम में। और सीधे वहां से पहुंचे स्नैचीज के कब्जे में। और यहां से बहुत जल्द आप में से किसी एक के कब्जे में चला जाएगा। लेकिन जैसे कि आप देख चुके हैं इस तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा खतरा है। मतलब जिसको ये मिलेगा वो इसे लेके भाग जाएगा। सर हमारे पास एक और आइडिया भी है। बोलो। अभी तुम हमको उधर लेके चलो, वो हीरा हमको दियो, नहीं तो ये खंजर जो हम फ्रांस के म्यूजियम से मार के लाया है इतना शार्प है कि लोकन के अंदर ऐसा घुसता है जैसे मस्क में, और तुम्हारा गर्दन तो उससे भी नरम है। बहुत खूब रोमियो, जवाब नहीं तुम्हारा। बकबक नहीं, तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों के बीच नाक की हड्डी को चीर कर कोई गोली निकल जाए तो बुरा लगेगा। वो देखो सर जान, तुम्हारा पुराना दोस्त रोमियो आयंगर 13 सेंचुरी का सबसे कीमती खंजर तुमको तोहफे में देता है जी। इसको स्वीकार करके हमारा इज्जत बढ़ाना जी। हम इस तोहफे को स्वीकार करते हैं रोमियो, थैंक यू वेरी मच। सचान, 15 घंटे के थोड़े से वक्त में मुझे क्या कुछ नहीं करना पड़ा। ये समझिए मौत की आंख में धूल झोंककर यहां पहुंचा हूं। वो लोग मुझे जान से मार देना चाहते थे, किसी तरह बच्चा बच्चा था। सीबीआई ऑफिसर का भेष बदलकर मैं बहादुर सिंह के बेटे से मिला, उसे आपके बारे में मालूमात हासिल की, आपके नाम जाली खत तैयार किया, और फिर बहादुर सिंह का भेष बदलकर जिस तरह मैं यहां पहुंचा हूं वो मैं ही जानता हूं या मेरा दिल जानता है। मेरी हमदर्दियां तुम्हारे साथ हैं मिस्टर कुमार, पर फैसला मैं नहीं कर सकता हूं। एक्सक्यूज मी, टेक अ डीप ब्रेथ एंड होल्ड इट, दैट्स फाइन। दोस्तों कुमार साहब इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहते हैं, हालांकि इन्हें बुलाया नहीं गया था। ये बचा लोग का काम नहीं है सर, इसमें भेजा लगाना पड़ता है। वो इसके पास किधर है? यू रोमियो, मिस्टर कुमार प्लीज। हारी बेवकूफी अभी अभी हम सब देख चुके हैं। बिल्ली लोग का रेस में चूहा लोग नहीं दौड़ता है। ये तो वक्त ही बताएगा मैडम कि बिल्ली कौन और चूहा कौन है। वोट लेते हैं कोलंबस, एक वोट कुमार का। रोमियो मेरा मानेगा तो इसका सामान देके इसको अभी बाहर निकालो जी। एक हाँ हुआ एक नहीं। काउंटेस, इट कुड बी क्वाइट अम्यूजिंग। हाँ, दो हाँ एक नहीं। डॉक्टर आपका क्या ख्याल है? ला हौल वला कुव्वत, कभी नहीं। दो हाँ दो नहीं, सॉरी फैसला नहीं हो सकता।
کسی خاص کام سے تشریف لائے ہو برخوردار؟ یہ کیا بارود اور سرنگ جانچ نکالا ہے؟ اپنی عقل استعمال کرو. تم بھی کبھی فوج میں تھے؟ لیکن فوج میں ہمیں اتنا چھوٹا آلہ تو کبھی نہیں لیا گیا. ایک دفعہ ہوٹل میں نے آپ کی مدد کی تھی, اس وقت آپ بٹلر تھے. لا حول ولا قوت برخوردار, 40 سال سے ہم خدا کے بندوں کی خدمت کر رہے ہیں. میں تاج ہوٹل کی بات کر رہا ہوں. واللہ یاد آیا, ہوٹل کی تجوری تم توڑ رہے تھے, ہم نے تمہیں پکڑا, تم نے معافی مانگی, ہم نے فیاضی دکھا کر تمہیں معاف کر دیا. تجوری میں نے توڑی تھی, مال آپ صاف کر گئے تھے. اس میں قصور ہمارا نہیں برخوردار, تمہارا ہے. تم نے ہمیں بٹلر سمجھا. ایک چور دوسرے چور کو جب نہ پہچانے تو حصے داری کا کوئی حق نہیں رہتا. چور پہچاننے میں میرا دماغ نہیں چلتا, اس لیے تو میں آپ چاروں کو اونچی سوسائٹی کے اونچے لوگ سمجھ بیٹھا. اکیلے تم ہی نہیں, ساری دنیا ایسا سمجھتی ہے, اس لیے تو کامیابی ہمارے قدم چومتی ہے. تم مجھ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ڈرتا نہیں, موت کے منہ سے نکال کر تم پہ احسان کیا برخوردار. کیا انداز ہے احسان کرنے کا ڈاکٹر صاحب. آپ جیسے ایک مہاپرش نے مگرمچھ سے بچانے کے لیے بیچاری مچھلی کو پانی کے باہر نکال کر اس پر احسان کیا تھا. اب آپ لوگ نمبر اٹھائیں گے اور اس نمبر کے مطابق ایک ایک شام اپنی قسمت آزمائیں گے. کمار تم بھی اٹھاؤ. اس مہربانی کے لیے کس کا شکریہ ادا کروں؟ جزاک اللہ. شکریہ ڈاکٹر صاحب, لیکن رول یہ ہے کوئی سنگت نہیں ہوگی. مل کر کام کرنے والوں کو اس مقابلے سے فوراً نکال دیا جائے گا. کولمبس یہ کام کیسے کر پائے گا؟ اس کی ایک ٹانگ تو نکلی ہے. بچارا کولمبس. وہ سب اس کا ناٹک ہے جی, اس کا کچھ نکلی نہیں, سب اصلی ہے. ایٹ لنچ ٹوڈے ہم اس کا پاؤں میں اتنا نائف گھسا آیا, اس کو کچھ نہیں ہوا. اس کا جسم لوکن گیا جی. کم آن رومیو, 1 inch کا نائف کا بلیڈ پاؤں میں جائے گا تو کوئی بھی بولے گا. شرط لگاتا ہے 4000 کا. ابھی کیش نہیں ہے مائی ڈیئر رومیو, بٹ ہم وعدہ کرتا ہے تمہارا ادار ہم کس بھی طرح چکائے گا. یہ لوگ کیا گا رہے ہیں؟ برخوردار ان لوگوں کا عقیدہ ایک صاحب کلا معکوس پر ہے, ہر ساتھ اسی وقت اس کا انتظار ہوتا ہے. بٹ سوال یہ ہے کولمبس جائے گا کیسا؟ دیوار سے. اور کیسے؟ واللہ ناممکن. اچار کا شرط لگاتا ہے, وہ دیوار سے جائے گا. منظور. ہم سے شرط لگائیے صاحب, کولمبس چھت سے جائے گا. شرط منظور ہوئی رفیق. ہم کو بھی شرط منظور. But how are we going to settle the bets? تو کون سا راستہ سے جائے گا, ہم کو کیسا پتا چلے گا؟ وہ بھی پتا چلے گا کاؤنٹس, آؤ میرے ساتھ. You're really a genius, Sir John. آ گیا میرا یار چھت پر. تم غلطی کر رہے ہو مسٹر کمار, وہ میرا ایک گارڈ ہے. دیکھو وہ دیکھو یو دکھیل مین, تم بیٹھ جیت گیا. اس کا پاؤں اچھا ہے. اینڈ کمار ہی از آن دا روف. مائی گاڈ, یہاں کیسے پہنچ گئے؟ خدا جانے. تو شرط کون جیتا پھر؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ سر تم اپنا گارڈ لوگوں کو خبر نہیں کریں گا؟ بالکل نہیں. کولمبس نے خود تیاری کی ہے, اسے پوری آزادی دی جائے گی, اور اگر وہ چرانے میں کامیاب بھی ہو گیا تب بھی ہم انگلی تک نہیں اٹھائیں گے. صرف اس بٹن کو دبا کر شالیمار پہ آخری حسرت کی نگاہ ڈالیں گے. The alarm, you brave man, alarm the gulo. یہ نہیں کہہ رہا. اچھا
You're not gonna get this, Zina. Oh, you know. हमको पहला नंबर लगा होता तो कितना अच्छा होता जी। समझो मेरी जान, the electronic beam. I'm sure, कर्नल कोलंबस इलेक्ट्रॉनिक बीम से बहुत बार खेल चुका है काउंटेस। ख्याल है प्रेशर अलार्म इस रूम में कहीं है।
God have mercy on his soul. वो एक बहादुर था, वाकई बहादुर। किस्मत कोलंबस। बिचारा। मैंने कोलंबस को चीखते हुए सुना है। आप में से किसी ने कोलंबस की चीख सुनी है? मिस्टर कुमार, माफिया गैंग ने जब उसे शिकागो में पकड़ा था तो उसकी जबान जड़ से उखाड़ दी और आवाज का हिस्सा भी गले से निकाल दिया, इसलिए चीखना तो कोलंबस के लिए नामुमकिन है। मैं कसम खाकर कहता हूं, मैंने उसे चीखते हुए सुना है। सर जॉन, दवा का वक्त हो गया है। जो कहना कहो एंड गेट आउट। आई वांट यू। ये मजाक का वक्त नहीं है। I'm serious. कुमार, मैं सर जॉन के पेरोल पे हूँ। लेकिन तुम्हारा बूढ़ा सर जॉन अनकरीब मरने वाला है। मरना तो हम सभी को है, तुम क्या हमेशा जिंदा रहोगे? लेकिन जाने मन, जिस दिन हम मरेंगे हमारे मुंह से कोलंबस की तरह चीख नहीं निकलेगी। यू लाउजी नो गुड पंक, यू आर अ लायर। कोलंबस गूंगा था, तुमने उसकी चीख सुनी, वो भी उसके मरने के बाद। झूठ। तुम मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करती? झूठ बोलने की आदत पड़ गई तुम्हें। मुंह खोलते हो झूठ निकलता है। लेकिन इस बात में झूठ बोलने से मुझे क्या मिलेगा? डराने के लिए और क्या? मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कोलंबस को चीखते हुए सुना है। तुमने अकेली सुनी और किसी ने नहीं सुनी। कांप क्यों रही हो तुम? रंग तो पक हो गया तुम्हारा। मुर्दे की चीख का ख्याल आते ही बदन में कपकपी दौड़ जाती है। अगर तुम अपनी मोहब्बत का जरा भी यकीन दिला पाते तो मैं कभी तुम्हें छोड़ के ना आती। यही बात मैं तुमसे पूछने आया हूँ, मुझे अचानक छोड़कर चली क्यों गई थी? अपने आप से पूछो। मैं तुमसे पूछता हूँ। जाकर उस अमेरिकन लड़की से पूछो। उस अमेरिकन लड़की से मेरा कोई ताल्लुक नहीं था। उसका बाप एक अमीर आदमी था, उसके पैसे से मैं फिल्म बनाना चाहता था। उसी तरह ना, जिस तरह तुमने मेरे पैसे अपने कसीनो में बर्बाद कर दिए हैं, वो पैसे जो अपना घर बनाने के लिए मैंने कितनी मुश्किल से बचाए थे। शीला, रातों रात करोड़पति बनने के लिए आदमी को क्या क्या पापड़ ही बेलने पड़ते। करोड़, सौ या हजार नहीं, लाख भी नहीं, हमेशा करोड़ों की बातें, न कम न ज्यादा। That's what I like about you. तुम्हारी इन्हीं बातों में सब आ जाते हैं। मैं भी आ गई। डॉक्टर जलन याद है जो मुझसे शादी करना चाह रहा था? तुमने अपनी बातों से उसे मुझसे अलग ही नहीं किया, बल्कि ये भी समझा दिया कि उसे अपनी ही जात वाली किसी लड़की से शादी करनी चाहिए। और मेरी माँ जो तुमसे मेरी सगाई के लिए तैयार नहीं थी, तो तुम किसी कर्नल को अपना अंकल बनाकर उसके पास ले आए। और बेचारी, वो अब तक तुम्हें हिंदी फिल्मों की हीरो की तरह भोला भाला शरीफ और अच्छा बच्चा समझती है। मतलब तुम लगातार सबको धोखा ही देते रहे। तुमने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए, कोई बात नहीं, तुम आर्मी से निकाल दिए गए, मैंने कहा जाने दो, इसके बावजूद मैं तुमसे प्यार करती रही। मैं तुमसे शादी करना चाहती थी कुमार, सोचा था इन झूठी बातों के पीछे शायद एक अच्छा आदमी होगा, लेकिन
लेकिन उस अमेरिकन लड़की के बारे में जानने के बाद एहसास हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। तुम एक बेगैरत इंसान हो जिसे बातें बनाने के सिवा कुछ नहीं आता। कुमार, ना तुम्हारा कोई कैरेक्टर है, ना ईमान, ना वफादारी, ना शराफत। हे, अभी तुम्हें शीला चाहिए? मुझे ये शीला नहीं चाहिए जिसने एक मरते हुए बूढ़े की दौलत हासिल करने के लिए उसे अपने जाल में फांस लिया है। अयो काउंटेस, हम सोचा भी नहीं कि तुम इतना रात को इधर आएंगे जी। यस रोमियो, हम उधार चुकाने को आया। आई ऑनर माई डेट्स। तुम हमको चक्कर में डालते थी। हम आज रात ट्राई मार के शालीमार लेकर निकलने वाला था। गार्ड लोग को मालूम ही नहीं पड़ता कि एक रात में दूसरा ट्राई भी चालू। यू हैव परस्यूड मी रोमियो फॉर इयर्स। प्यासा आदमी का मफ है, तुम्हारा लिप्स तक आ गया। And you're throwing away. Throwing नहीं थी। अगर जाम पीने को चालू किया तो शालीमार जाता है, और अगर शालीमार लेने को गया तो जाम जाता है। नहीं जाएगा, शालीमार भी नहीं, जाम भी नहीं। Midnight, शालीमार, tomorrow night. ऐसा भी हम बेईमानी करता होता, हमारा नंबर दूसरा नहीं चौथा है। And indeed, it shall be, दूसरा होएगा या चौथा, लेकिन तू हमारा होएगा, माय स्वीट रोमियो। मेरा प्यार मुझसे बिछड़ गया और आप ही मुझे छोड़ गए डैडी। काश आज आप मेरे पास होते डैडी। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। आँखों में रुकते नहीं जो आंसू निकल जाते हैं। आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते बदल जाते हैं।
झूठे वादे तेरे जब याद आते हैं लाहौल वाला कुवर, इस तरह मिलकर काम करना हमारा जमीर नहीं मानेगा। लेकिन उनको पता कहाँ चलेगा? बेडरूम्स में कैमरास नहीं है। ये क्लोज सर्कल टेलीविजन लगाने का आइडिया मेरा ही था, वरना मुझे आधी आधी रात को उठकर सर जॉन को व्हील चेयर पे बैठाकर पूरे महल में घुमाना पड़ता था। शुक्रिया, लेकिन हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। लेकिन लेकिन कहीं ऐसा ना मत करो अजीजा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कलंबस भी यही समझता था। वो बेवकूफ लापरवाह था, हम ऐसी गलती नहीं फरमाएंगे। लेकिन अंकल आपको शालीमार की क्या जरूरत है? सख्त जरूरत है। मगर क्यों? हमें तुम्हें बताया कुछ मैंने पहले तुम्हारी मांग ली थी? हाँ बताया था। उन्होंने तुम्हारे बारे में क्या क्या कहा वो तुम्हें नहीं बताने दिया? जानती हूँ माने क्या कहा होगा, वो मैं नहीं सुनना चाहती। क्यों नहीं सुनना चाहती? आप इतनी साफ हिंदुस्तानी कैसे बोल लेते हैं? मैं हिंदुस्तान में कई साल गुजार चुका हूँ, और माँ के मरने के बाद जिस आया ने पाल पोस का बड़ा किया वो भी हिंदुस्तानी तो थी। लीजिए आपका हाथी है। दिमाग बहुत तेज है मिस्टर कुमार। दिमाग तो बहुत तेज है, लेकिन जब दौलत कमाने का वक्त आता है तो साला काम नहीं करता। उन लोगों का कितना कर्जा है तुम पर? कोई 10 लाख के करीब। बदमाशियां की होंगी? नहीं, दूसरों के रुपयों से करोड़पति बनने की कोशिश की थी। करोड़ बनना तो एक तरफ रहा, पति भी नहीं बन सका बेचारा। लेकिन आप इस चक्कर में कैसे फंस गए? सट्टेबाजी। आपके लिए तो तेजी ही तेजी रही होगी। खाक तेजी 10 साल तक लोगों को कर्जे उतारते उतारते जान निकल गई थी कुमार मियां, फिर जंग छिड़ गई। तुम ध्यान नहीं दे रहे कुमार, मैं तुम्हारी रानी उड़ाने वाला था। शौक से आजकल तो आपकी किस्मत बहुत तेज है। सर जॉन, अब आपको आराम करना चाहिए, वक्त हो गया है। मेरे ख्याल से आपकी नर्स ठीक फरमा रही है, आपको बिस्तर पर जाना चाहिए, या फिर आज का शो भी तो कैंसिल है। नहीं, कोई ना कोई कोशिश जरूर करेगा कुमार, ये समझ करके कोलंबस खत्म हो गया है और मेरे गार्ड आराम कर रहे होंगे। तो काउंटेस, ये खेल देखने में मजा आएगा, इस औरत के स्टाइल पर तो दुनिया फिदा है। नजाकत का ये संगम, क्या बात है रबड़ के पुतले की।
चाल तो अच्छी है पर तकदीर साथ देगी या नहीं कौन जानता है। तकदीर के खाक साथ देगी, पीछे गार्ड खड़ा है। तो क्या हुआ, पहली छलांग में वो बाहर की गार्ड से निपटेगी? दूसरी छलांग में खिड़की से कूदकर अंदर की गार्ड का सफाया कर देगी। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? पिछले हफ्ते आप ही तो काउंटेस की खूबियां गिनाते रहे थे, सुबह 3 बजे 3 घंटे तक। तकदीर बनाई नहीं गई, लिखी गई है। ऐसे खूबसूरत जिस्म को फना करने से पहले मौत खुद क्यों नहीं मर गई? हमारी याद में हमेशा जिंदा रहेगी। सज्जन, मैं हिस्सा लेना नहीं चाहता। ये मौका फिर नहीं मिलेगा? जिंदगी भी बार बार नहीं मिलती। ओके, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम जब चाहे जा सकते हो। ठीक है, मैं कल सुबह जाना चाहता हूँ। डोगरो, डोगरो तुम्हें छोड़ाएगा। डोगरो, उन नींदों में कुछ फर्क है? ये बिल्कुल बीच में जो है, गौर से देखो, इन नींदों में और दूसरे नींदों में काफी फर्क लग रहा है मुझे। मुझे तो कोई फर्क नजर नहीं आता। नहीं, नकली भी हो सकती है शायद, मेरा ख्याल चेक कर ही लो। डोगरो, गुड नाइट। मैं क्या सोच रहा हूँ, जब तक मैं कुछ बन नहीं जाता शादी नहीं करूंगा। कुछ बन नहीं जाता या करोड़पति नहीं बन जाता? कहती है तुम, जिंदगी का हर वो जख्म जिसका कोई इलाज ना हो, तो दौलत ही मरहम का काम कर सकती है। और तुम्हारे जख्म तो कुछ ज्यादा ही गहरे हैं, लाख रुपए से तो भरेंगे नहीं, करोड़ चाहिए। अम्बेसडर और फियट से तो काम नहीं चलेगा। लेटेस्ट मर्सिडीज हो, 450 SE, 2 doors, 4500 CC, 8 track। याद है मुझे कितने डरावने सपने आया करते थे। हाँ, तुम कवर में लेटी हुई हो और कोई तुम्हें पास खड़ा घूर रहा है। हाँ, कुछ देर पहले मुझे एक ऐसा ही सपना आया। मैंने देखा कोलंबस कासिप में लेटा है, उसका बदन गोलियों से छल गया है और वो मुझे पुकार रहा है, पास ही डरी खड़े। टेरिफिक आइडिया फॉर अ हॉरर मूवी। हाँ, रुपया कमाने के लिए मुझको आइडिया मत दो शीला, मैं तो करोड़पति बनने के लिए पहले ही पागल हूँ। जान से तुम्हारी मुलाकात कब हुई थी? दिल्ली में, तुम्हारे पास से मैं दिल्ली चली आई, वही उनसे मेरी मुलाकात थी। तो मैंने तो सुना था तुम अपने गांव चली गई हो। गई थी, लेकिन एक ही दिन में भाग आई। क्यों क्या, मुश्किल से 10-12 घंटे रह पाई घर में। माँ ने टोक टोक कर जीना हराम कर दिया। अरे लड़की, न जाने तुझे कब अकल आएगी। कट मत पहना कर, कट पहननी है तो टांग पे टांग डालकर बैठा कर, चलते वक्त लहराया मत कर। जल्दी से तेरी शादी कर दूंगी, एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रखा है, ये वो नाक में दम कर दिया, भाग आई घर से। फिर दिल्ली शेरिटन होटल में मुझे नर्स की नौकरी मिल गई। जब सर जान को रूम सर्विस की जरूरत पड़ी तो खिदमत के लिए तुम्हें पेश कर दिया गया। वेरी फनी। क्या करती हो सर? दरअसल उन्हें देखभाल की जरूरत। कुमार, कभी कभी लगता है जैसे मेरी जिंदगी किसी और की कहानी है जिसे मैं सिर्फ पढ़ रही हूँ। काश मैं भी अपनी कहानी दोबारा लिख सकता। हिंदुस्तान में स्वीडिश मसाज तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। हाँ, लेकिन अमेरिकन लड़कियों जैसी मसाज मुझे कहाँ आती है। आप मैं तुमसे शादी
शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारे कहने पर चलकर मैंने बहुत बहुत शुक्र है। इसके बावजूद भी तुमसे प्यार करती है, प्यार करती है, प्यार करती है। तुम एक इंसान है, सामाजिक 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 ईमान ईमान
अरे तुमने शर्ट क्यों पहन ली? I haven't finished yet. कुछ पियोगे? अच्छा ऐसा करते हैं, I'll put on some music. तुम भी क्या याद करोगे? आज जरूरत से ज्यादा प्यार दिखा रही हूँ किस लिए? तुम्हारा दिल बहलाने के लिए. दिल बहलाने के लिए नहीं, तुम खुशामद कर रही हो अपना काम निकालने के लिए. तुम कहना क्या चाहते हो? ये ईंट डॉम से किस लिए निकाली थी? सर जॉन का मकबरा बनाने के लिए. और इस काम के लिए तुम मेरी मदद चाहती हो, है ना? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, लेकिन इस तरह की मदद नहीं. चाप समझ गया, अब मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला. आज रात को भूतों के सपने आएंगे. لما بيري دبا دكتور اكل कुमार, बरखदार कुछ देर पहले एक धमाका सुनाई दिया है. जी हाँ, काउंटेस मारी गई, दो जा चुके हैं और दो जाने वाले हैं. मैंने अपना नाम वापस ले लिया. मौत के डर से? डॉक्टर, आदमी खतरों पर फतेह पा सकता है लेकिन मौत को नहीं जीत सकता. बरखदार, हमारी एक बात याद रखना, जिंदा हैं वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर हैं वो जो मौत से घबराते हैं. जानते हो वहां क्या हो रहा है? कबीले के लोग अपने देवता की पैदाइश का जश्न मना रहे हैं. अकेले तुमने ही चीख नहीं सुनी थी, सजान के सिपाहियों ने भी सुनी. अब हमारा कर्नल कोलंबस उनका नाग देवता बन गया है. खुला माकूस. Thank you.
लेकिन इसमें इतनी ताज्जुब की क्या बात है? बिल्कुल है, जिस आदमी के गले में लैरिंग्स ना हो वो कैसे चीख सकता है? ये गले का हिस्सा देख रही हो, इसमें कुछ जान रही होगी और अचानक गोली लगने से आवाज पैदा हो गई, बस इतनी सी बात है। अपने कबीले के लोगों से कहो कि परेशान ना हो, ऐसे वाकत मेरी जिंदगी बहुत बार देखे हैं, समझे? जंग के दौरान देखा कि गर्दन कट गई और दिल घंटों धड़क रहा है। कोलंबस एक इंसान था, भगवान नहीं, जो उसने कोलामाकस के रूप में दोबारा जन्म लिया हो। जैसी आपकी मर्जी सर जॉन। कोशिश बेकार है सर जॉन, जैसे अपना देवता मान चुके हैं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तम। तो मैं क्या करूं? मेरी मदद करो और क्या, किसी भी तरह डॉक्टर दुबारी को रोक लो। खुफिया रास्ता जो तुम्हें मालूम है बता क्यों नहीं देती? वो मेरी मदद लेने से साफ इनकार करते हैं। इसका मतलब है डॉक्टर दुबारी की मदद के लिए तो शालीमार पाने का मौका खो देना चाहती हो। वो मेरी धर्म पिता है, माय गॉड फादर। क्या लगते हैं तुम्हारे? हाँ कुमार, मैंने अब तक तुम्हें नहीं बताया कि मेरे डैडी और डॉक्टर दुबारी साथ साथ काम करते थे। बड़ी से बड़ी तिजोरी तोड़ देना डैडी के लिए बाएं हाथ का खेल था, और तुम्हें पता है मैंने डैडी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा है। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं अपने घर के कंपाउंड में खेल रही थी, मैंने देखा डैडी सड़क क्रॉस करते हुए घर की तरफ आ रहे हैं। और बस तब से, डैडी की डेथ के बाद से डॉक्टर दुबारी ने मुझे अपनी बेटी की तरफ पाला। कभी ये महसूस ना होने दिया कि मैं यतीम हूं। प्लीज कुमार, प्लीज, वी मस्ट स्टॉप हिम। कुछ भी हो शीला, तुम्हारे धर्म पिता बड़े संकट में है। वो बूढ़े हैं और वो बूढ़े ही नहीं, उन्हें दिखाई भी कम देता है। मैं जानती हूँ कुमार, उनकी दोनों आंखों में मोतिया उतर आया है, उनको हमें रोकना होगा। डरती हूँ कुमार, कहीं दोबारा यतीम ना हो जाऊं। ये रहा डॉक्टर दुबारी का मकबरा, जो शालीमार हासिल करते करते शहीद हो गए। बहुत खूब, हमने कहा था मुकाबले में हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह जरूर लेंगे। खुदा के बंदों की खिदमत करते करते आपको शालीमार की लालच कहाँ से आ गई? और फिर इस उम्र में शालीमार हासिल करके क्या करेंगे आप? शराब आप छूते नहीं, औरत आपको छूती नहीं। बखुदार, औरत और शराब दोनों गुनाह अजीम है। हम तो इतना जानते हैं कि जवान को औरत चाहिए, बूढ़े को दौलत। दौलत के लालच में कोलंबस अकाउंटेंट का क्या असर हुआ ये आपने देखा है ना? वो तो जवान थे, आप बूढ़े हैं, मोटे हैं। तुम जैसे चार आठ को सीधा कर सकता हूँ दो दो हाथ के साथ, समझे? छोड़िए मजाक छोड़िए, आप इतना बताइए, डॉक्टर होते हुए आप कौन से डॉक्टर से अपनी आंखों का इलाज करवाते हैं? एक मिनट, इतनी दूरी से आप बता सकेंगे मेरी कमीज पे कितने बटन है? ये ना है रहने खुदा इस पे रहने बहन ना जाने दी बदतमीज। तुम मुझे क्यों रोकना चाहते हो? तुम तो मुकाबले में हिस्सा भी नहीं ले रहे, या किसी और के कहने पर मुझे रोकने पर तुले हो, हैं? पर खुदार अपना भला सोचो। कहा मेरा सवाल, मैं आज रात को इस जजीरे से शालीमार लेकर शीला, वो हजरत कहाँ है? मिस्टर कुमार? कुमार अपने कमरे में है, खाना भी वापस भिजवा दिया, दर्द है पेट में। कैसा लोग है जी, एक तो जबरदस्ती क्रोध के आता है, ऊपर से नखरा दिखाता है।
देखो जी, ये दोनों मिलके काम करता है, जिसे चीटिंग। लेकिन इसने तो अपना नाम वापिस ले लिया था। क्या बोलता है जी, ये बटन चोर क्या शालीमार चोरेगा? लेकिन इसमें कुमार की कुछ चाल है। खिलाफ है। हाँ, अगर दोनों मिलकर काम करें तो दोनों को निकाल दिया जाएगा, लेकिन मिलकर कर रहे हैं। बोल सकता है सांप पिता है, ये दोनों मिलकर चोरी करता है जी। हाँ, आरामखोर कीड़ा पड़ेगा दोनों। गार्ड, मुकाबले से दोनों को निकाल देना चाहिए। नहीं, सिर्फ कुमार को निकाल दिया जाएगा। But you said they'd be disqualified. There is no collaboration. कुमार अपनी तरफ से खामखा डॉक्टर दुबारी की मदद करने की कोशिश कर रहा है। आप ही नहीं तो कहा था। No rule is rule. Get कुमार। ऐसे कच्चे खिलाड़ी को डॉक्टर दुबारी ने साथी कैसे बना लिया? डॉक्टर दुबारी शालीमार पाने के लिए पागल हो गया था। उसने मुझे इतनी रिश्वत दी कि मुझे इसकी मदद करनी पड़ी। लेकिन आपके रूल के मुताबिक मेरे साथ साथ आपको डॉक्टर दुबारी को भी सिलसिले से अलग कर देना चाहिए था। हाँ, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर काम नहीं किया। क्या बेवकूफी कर रहे हो? अपना अपना पिस्तौल इस्तेमाल करो। Hey
क्या हो रहा है? इंसाफ। कैसा इंसाफ? साफ नजर आ रहा है वो पकड़ा जा चुका, तुम उसे मुकाबले से अलग क्यों नहीं करते? शीला कह के मिली थी डॉक्टर दोबारी, से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मालूम है इन्हें। डॉक्टरों को भी औरों की तरह मौका दिया गया, वो जानते थे इस खेल में जिंदगी को बहुत खतरा है। असल मत करो सर जान, किसी की जान लेने का तुम्हें कोई हक नहीं। आप ठीक तो है ना? तुम शैतानों की मैं रग रग से वाकिफ हूँ, मैंने तुम लोगों को हर रंग में देखा है, बड़ी बड़ी क्लबों, बड़ी बड़ी सोसाइटी और बड़ी बड़ी कारों में। चोरी, स्मगलिंग और मुनाफाखोरी करते वक्त तुम लोगों की शक्लें जरूर मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन तुम्हारी हंसी एक जैसी होती है और उस हंसी के पीछे मौत का डर हमेशा नजर आता है। बस करो प्लीज। इससे इसके गंदे गुनाहों की बू आती है शीला। अपनी ही गंदगी को जब तुम दूर नहीं कर पाते, उसे दूर करने के लिए आप बड़े बड़े दिमाग और जिस्म ढूंढते हैं। खून और कत्ल करने के लिए क्या क्या तरीके ढूंढ रखे हैं तुमने। मासूम लोगों को गुमराह करने के लिए कौम, आजादी और इंसाफ जैसे बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल करते हो, लेकिन तुम जैसे शैतान ना इंसाफ जानते हैं और ना तुम्हें किसी कौम की परवाह है। तुम्हें परवाह है तो सिर्फ अपनी। कुमार, तो मैं नहीं करता, जान से मार डाले, लेकिन मैं फिर वापस आऊंगा। कोलंबस ने सिर्फ चीख मारी थी, लेकिन मैं इसकी सारी जिंदगी चीखों से भर दूंगा। मिस्टर कुमार, तुम्हारी जबान गंदी जरूर है, लेकिन मजा आया सुनकर। साला, आई एम सॉरी सर जान, हम अपना नाम वापस देता। बस इतनी जल्दी तुम हार गए रोमियो? दुनिया का सबसे बड़ा हीरा हासिल करोगे, तुम्हारा नाम होगा दुनिया भर में रोशन। थिंक, जिंदगी बहुत कीमती है सरजान, तुम्हारा शालीमार से भी ज्यादा। किसी हमारा एक बुढ़ा माँ है, उसका हमारा सिवा कोई नहीं। जब तक वो जिंदा है, हमको जिंदा रहना पड़ेगा। एब्सोल्युटली श्योर रोमियो? एब्सोल्युटली श्योर सरजान। Any comment, Mr. Kumar? A rule is a rule. Play the game or forfeit. बिल्कुल सही। ये बात रोमियो की बूढ़ी माँ को कौन समझाएगा? You know, जब रोमियो 14 साल का था, चंद रुपयों के खातिर भाई की जान ले ली। वो जंग अब भी जारी है मिस्टर कुमार। खुद जिंदा रहना है तो दूसरों को मार डालो, यही जिंदगी का उसूल है। मर गया, मैं जिंदा हूं। तो आप बीमार नहीं थे? वो एक ढोंग था हमदर्दी हासिल करके दुनिया को बेवकूफ बनाने का। हाँ, वो वाकई एक ढोंग था, लेकिन वो एक्सरे, वो भी दिमाग का कमाल था। एक्सरे प्लेट में सूरज का गोला देखकर तुम कैंसर समझ बैठी। वो स्पेशलिस्ट जो बंबई और लंदन से आए थे, मेरे सामने उन्होंने कैंसर बताया था। इस दुनिया में दौलत से क्या नहीं खरीदा जा सकता। एग्जैक्टली मिस्टर कुमार, उन तमाम डॉक्टरों को मैंने दौलतमंद बना दिया। लेकिन लेकिन ये सब किस लिए? किस लिए? मन की शांति। मैं सो नहीं पाया कई बरसों से, सुबह शाम दिन रात हर वक्त।
और क्या, 12 साल तक डर और खौफ, जब तुम्हारे पास दुनिया का सबसे बिंदी हीरा हो, यू नो कि हर आदमी उसे चलाने की कोशिश करेगा। मुझे मामूली चोरों की परवाह नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स, तेज चालाक, चंद गिने चुने लोग, सिर्फ वही पांचों जो मुझसे मेरा कीमती शालीमार छीन सकते हैं। फिर तो उन्हें अपने रास्ते से हटाना आपके लिए बहुत जरूरी था, पर इसके लिए इतना बड़ा ड्रामा किस लिए? उनके खाने में जहर मिला दिया होता वो सब मारे गए होते। Why the bloody game? क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूं, मैं खूनी नहीं कुमार। मेरे बारे में क्या सोचा है आपने? मुझे भी इस बिल्ली चूहे के खेल में हिस्सा लेना होगा। तुम्हारा क्या करूं, आई डोंट नो। क्यों, डर लगने लगा है मुझसे? कहीं आपका शालीमार चुरा के भाग ना जाऊं? मजाक अच्छा है। तो मैं जा सकता हूं ना? अगर तुम मुझे विश्वास दिला दो कि वो ईंटें तुमने नहीं बदली। इतना बड़ा काम मैं कैसे कर सकता हूं? आपके कहने के मुताबिक तो इस मैदान में मैं एक बच्चा हूं, ये काम तो किसी पहुंचे हुए चोर का हो सकता है, कोलंबस या रोमियो। मेरा शक दूर नहीं हुआ। इस काम के लिए औजार चाहिए सरजान, और औजार मैं अपनी जेब में लेकर नहीं घूमता। वो काम मेरा था। यस, आई डिड इट। उन ईंटों को निकालने में मुझे 3 महीने लगे। बट तुमने क्यों? मैं नर्स की जिंदगी से तंग आ चुकी हूं। दुनिया की सबसे अमीर औरत बनना चाहती हूं मैं। एक बूढ़े मरीज की देखभाल कब तक करती रहूंगी? सरजान, आपको बेवकूफ बनाना बिल्कुल मुश्किल है। आप इतनी सी बात नहीं समझ सके। अगर शीला के कहने पर मैं डॉक्टर दुबारी की मदद नहीं करता तो शायद आपने मुझे अब तक जाने दिया होता। हकीकत यह है कि वो ईंटें मैंने बदली हैं। अगर यकीन नहीं आता तो मैं बता सकता हूँ कि असली ईंटें कहाँ छुपाई। कुमार, तुम पागल हो गए हो। शीला, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं। हमदर्दी का सवाल नहीं है, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। मेरी समझ में नहीं आता तुम कहना क्या चाहती हो। मैं ये कहना चाहता हूँ वो ईंटें मैंने। आई थिंक तुम दोनों ये खेल खेलोगे। दोनों को किस लिए? ईंटें मैंने बदली हैं, मैं इस खेल के लिए तैयार हूँ। शक का क्या इलाज है? ठीक है, पहले मैं जाऊंगा। नहीं, तुम यही ठहरोगे मिस्टर कुमार। ऐसे वक्त पर शराब मरहम का काम करती है। ब्रांडी फॉर मिस्टर कुमार। दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी गरीब है मिस्टर कुमार। जब जंग खत्म हुई मैं पेरिस में था, काले बाजारी में बिजली टूट पड़ी। वो नहीं चाहते थे कि जंग खत्म हो। मुट्ठी भर राशन के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहता। एक आम आदमी की तरह लाइन में खड़े रहने में आपको तकलीफ होती थी, इसलिए आपने चोरी की आसान लाइन अख्तियार कर ली। एग्जैक्टली। वो पहला कारनामा जो मैंने अंजाम दिया इतना जबरदस्त था कि मुझे लगा जैसे जंग फिर से शुरू हो गई। तुम्हें यकीन है कोलंबस के मुंह से चीख निकली थी, जबकि वो गूंगा था, मर चुका था। क्यों, आपको यकीन नहीं आता? मैं आपको बाथरूम इस्तेमाल कर सकता हूँ? श्योर मिस्टर कुमार, माय प्राइवेट बाथरूम। थैंक यू वेरी मच। गार्ड, उठा इस लाश को।
कुमार भाग गया, रोशनदान में भी तलाश किया, कहीं भी नहीं वो। बोरा सामने भाग के जाएगा कहाँ? बावर्ची से कहो जरा मसालेदार चिकन तंदूरी बनाए। बकवास करने की क्या जरूरत है कि ईंटें तुमने बदलेंगे? थोड़ी देर अपना मुंह बंद नहीं रख सकती? ये काम तुम ही कर सकते थे। शीना, मैं नहीं चाहता था तुम मारी जाओ। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। तुमके समय चिन्ह छोटे छोटे हजारों से कैंची से तुम शालीमार चुरा लो। क्यों? बारूद, इलेक्ट्रिक बीम, सबका पता लगाने की हत्या तो है मेरे पास। हिम्मत है? देखो शीला, मैं किसी तरह भी शालीमार चुरा के ले जाऊंगा, मेरे पास पूरा प्लान रह गया है। तुम्हारे प्लान हमेशा बर्बादी का रास्ता दिखाते हैं। थोड़ी देर चुप रहो तो मैं कुछ सोच सकूं। सोचने के लिए एक अदद दिमाग की जरूरत होती है कुमार साहब। ठीक है, खुदकुशी करनी है तो जाओ मरो। मेरा शीला, एक बार फिर सोच लो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें मालूम होना चाहिए सर जॉन हमें देख रहा है। ये साला बुड्ढा तो हमेशा देखता रहता है। इसे जलाने के लिए एक तरह मेरे सीने से लग जाओ, बस एक बार। डार्लिंग प्लीज, प्लीज। सारी जगह छान मारी। यही कहीं होगा, गायब थोड़ी हो सकता है। ए, स्क्रीन पे नजर रखो। जी। अब तक नजर नहीं आया।
जमीन खा गई, हवा में उड़ गई, हरामजादा गया कहां? हो सकता है वो पानी में कूद गया हो सर जॉन। पानी तक पहुंचे स्क्रीन पर नजर ना, ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ भैया ही कहीं जाओ ढूंढो उसे। करोगे इस बुलेट प्रूफ डोम पे तो गोली भी असर नहीं करती, बोल्स पर बारूद तो लगा रहा है बच्चे, लेकिन चंद सेकंड बाद तो खुद ही मर जाएगा। जिस तरह अंदर गए हो उसी तरह बाहर निकल कर बताओ तो हम तुम्हारे गुलाम हैं। उदिन थावान ना कहां जो अगर इंजन वाइज तो या दमा कहा तो जो 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 कह कर दो भैया ना आप भाई चल जीने या चल तो हां हो जा।
तेजाब से टेस्ट कर रहा है। कुमार दिस इज एन इंसल्ट। तुम समझते हो मैंने नकली शालीमार रखा है? क्या फंस गए ना कुमार भैया? आप बाहर कैसे निकलोगे? शांकिला तुम्हारा ये रूप ही मैं आज क्लेम में फेंक दूंगा।
छोड़ दो ऐसे, जाने दो। सरजन, तुम अपने आप को सर कहते हो, तुम तो पैर कहलाने का भी काबिल नहीं। शालीमार मिला, उल्लू का पट्टा। मौके पर मास्टर अलार्म ऑन करने की बहुत बहुत शुक्रिया। और तुमने जिस तरह मुझे गले लगाया उसका तो बहुत ही ज्यादा शुक्रिया। थैंक यू। अब तक सर घूम रहा है, अब क्या? चारों तरफ बारूद की सुरंगें बिछी हुई हैं। इस वक्त निकलना खतरनाक होगा, बेहतर होगा सुबह आने तक इंतजार कर रहे। लेकिन मेरे लिए बेहतर ये होगा कि आप अपने हाथ अपने पास ही रखें। आई एम सॉरी। जन्म दिया जिनको तुमने क्यों दस
लिया उनको नाग देवता, नाग देवता, नाग देवता, नाग देवता, नाग देवता, गोसाई, गोसाई। देने वाले को वापस लेने का क्या हक है, वापस लेने वाले को देने का क्या हक है, लेने वाले को देने का क्या हक है। बरस रहा है आग से पानी लगी है दिल में आग देवता, आग देवता, आग देवता, आग देवता, आग देवता। तकदीर है अपने हाथों में, सब तोड़ दो झूठी रस्मों को, सब वादों को, सब कसमों को। वो चीख नहीं थी नारा का, तुमको भगवान पुकारा था। इस वक्त अगर डर जाओगे, वो मर गया तुम मर जाओगे। Come on!
भाई बल्कि करिश्मा है। करिश्मे की बुनियाद एक रबर का बनियान, बुलेट प्रूफ जैकेट और टोमेटो सॉस का रंग। इन्हें इंसानों की तरह मौत को भी धोखा दे दिया। तुम जिंदा हो, मैं खुश हूं। ये क्या हो रहा है? आपके लोग आपका इंतजार कर रहे हैं सर जॉन। आपका हमसे वादा था सर जॉन कि आपके बाद शालीमार के हकदार हम होंगे। उसके बचाने में हमारे 18 आदमी की जान गई है। मैं उसे वापस ले आऊंगा। हमारे आदमी को जिंदा कर सकोगे? इनका परवरदिगार कोलंबस सर जॉन इंसाफ चाहता है। इसका मतलब मुर्दे चीखते हैं? हाँ सर जॉन। तुम और तुम्हारे लोग मेरी वजह से जिंदा हैं। अगर तुम्हें मेरी जिंदगी चाहिए तो तुम्हें खुद लेनी होगी। डोगरो, कितना दूर जाना होगा कुमार? हिम्मत रखो शीला, बस पास ही बोट है। Thank you.
पसंद करेंगे आप? क्या तुम मेरा हाथ मांग रहे हो? और नहीं तो क्या? मंजूर। अच्छा ऐसा करते हैं, हनीमून है ना, ताज होटल में करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ताज होटल खरीदे डालते हैं। सुबह प्यार करेंगे, शाम को प्यार करेंगे, खाने से पहले, खाने के बाद, प्यारी प्यार, प्यारी प्यार। हमसे मुलाकात करने के लिए राजा बहादुर सिंह भी नीचे आ चुके हैं। राजा बहादुर सिंह? Oh my God! उसे कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? उन्हें हर बात को पता रहता है। तू इत्मीनान से मत बैठो, कुछ करो कुमार। अगर हमें के हाथ आ गए, शालीमार तो जाएगा ही, जान से भी हाथ धो बैठेंगे। ये लोग हमें डर की तरह मार डालेंगे कुमार। प्लीज प्लीज कॉल द पुलिस। क्यों मजाक कर रही हो शीला? मजाक नहीं कुमार, शालीमार वापस करेंगे तो कम से कम पुलिस हमारी हिफाजत तो करेगी। मैं जानती हूँ तुम कौन हो। We are not to be disturbed. कुमार, सर जॉन बेवकूफ नहीं था कि इतनी आसानी से शालीमार हमें ले जाने दिया। दरअसल शालीमार खोकर उसने अपनी सारी तकलीफें हमारे गले डाल दी। कमबख्त खुद चंद की नींद सोता होगा और हम। ये शालीमार नहीं कुमार, बीमारी है सर जॉन की। लेकिन शीला, ये शालीमार मैं तुम्हें सुहागरात पर देना चाहता हूँ। नहीं चाहिए मुझे तोहफा, हम लोग जिंदा रहे ये मेरे लिए बहुत है। सोच लो, बाद में पछताओगी तुम। नहीं नहीं पछताऊंगी।
दिल से कह रही हो? हाँ हाँ दिल से कह रही हूँ। यही सुनने के लिए तुम्हें बेचैन था। I love you, Sheila. Operator, put me to CBI in Bombay. Superintendent Gupta. Immediately, please. Thank you. तो तुम आर्मी से कभी निकाले नहीं गए? नहीं, दरअसल आर्मी से ही मुझे सीबीआई के लिए सिलेक्ट किया गया था। एक अरसा से शालीमार सीबीआई वालों के लिए सरदर्द बना हुआ था और इसी कश्मकश में हमारे बहुत से एजेंट्स मारे गए। आखिर ये काम मुझे सौंपा गया, चोरों के इस इंटरनेशनल गैंग को खत्म करने के लिए। मैं एक मामूली चोर बनकर उनमें शामिल हो गया। और मेरी जिंदगी भर की कमाई भी शायद इसीलिए इस्तेमाल की गई। हाँ, और उस अमेरिकन लड़की से मोहब्बत भी एक दिखावा था। शीला, सचमुच जितना दुख मैंने तुझे पहुंचाया है उससे कहीं ज्यादा मैं दुखी हूं। दिस इज एजेंट 3694, डिवीजन 4, सेक्शन 2। मैं स्टारलाइट होटल से बोल रहा हूँ। आपको जानकर खुशी होगी शालीमार मिशन कामयाब रहा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, हाँ मैं इंतजार करूंगा। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके। हाजिर है दोस्त